अस्सलाम वालेकुम, यासर कियानी। आज जिस मौजू पर मैं गलबात करना गा वो आ संस्कृत प्राकृत। धरती ना टोटा जिसकी बरसगीर हिंदुस्तान हिंद आख्या रचना, जिसलै इत्थे बोलने वाली जबानों ने बारे लोड़ खोज परख कर टुरो ते चप्पे चप्पे पर दौरफा नाल मथा लगना है संस्कृत ते दुआ प्राकृत। संस्कृत तो जबान सी जड़ी आर्यन बोलने से साढ़े बहुत सारे जबाना ने दानश्वरा ना ख्याल आ के इत्थे बोलन आने वालियां बहुत सारिया जबाना जड़ियां वो संस्कृत सुई निकलियां। इसनी वजह क्या है? लिखी हालत उन्हों को नमूने जड़े पहुंचे वो संस्कृत नहीं से। ते अजीब तहकीक ना तरीका तकिया कि जड़ी को गल लिखी लभी कुसै की उसै की चाही तो अगे टोरी किता, उसने पिछे उसने पिछोकड़ उसने सजा कब्बे कुसै भी तकने नी लोड़ नहीं की थी। एक मफरूजा कायम होया जे संस्कृत जड़ी है वो बड़ी जबान सी और सारिया जबाना उसा चू निकलियां ते दुनिया जबाना जड़ियां सियां उन्हां की प्राकृता आख्या गया। तो यह भी आख्या गया कि यह संस्कृत की बिगड़ी शकल ही। माफी चाहना मैं इस गल्ला की ना मनना, ना सिर्फ मैं ना मनना और भी बहुत सारे लोग जिन्हें इस गल्ला की नहीं मनिया। उसनी वजह क्या है? उसनी वजह यही है जिसलै तुसां संस्कृत ने मैंने तको तो उसने मैंने वे कि पाकिजा मुकद्दस साफ सुथरी जबान ते प्राकृत ने मतलब इसने मैंने मलीच गंदी जबान आखी किनो। मतलब ये होया कि बाहरों अचने वाले लोगों जिन्हें इस इलाके की फतह किया तो सापू सियाने हो वो लोग हमेशा अपने रहत बैत अपनी सकाफत अपने कल्चर की फखर नाल बड़ा दसने रहे, अपनी जात की अपनी नस्ल की बड़ा दसने रहे। तो जिन्हें लोगों पर जिन्हें लोगों ने इलाकों पर उन्हें कब्जे किए उतनी नहीं बसों की उतनी नहीं नस्लों की उतनी नहीं लोगों की ना सिर्फ उन्हें नीच आख्या ना सिर्फ माड़ा आख्या बल्कि उन्होंने रहत बैत की भी माड़ा आख्या उन्होंने बसों की भी माड़ा आख्या तो उन्होंने जबाना की भी माड़ा आख्या। सवाल यह पैदा होना कि आर्यन जिसलै इस इलाके आए से तो क्या इतने बसने वाले लोग जड़े उन्होंने मूह जीवं कोई नहीं सियाँ? जे जीवं थे सियाँ तो फिर वो कोई जबान भी बोलने हुए सन। जे अल्लाह ताला बोलने वाला आला दिता सा तो फिर उसकी बरतने भी हुए सन। तो यह गल पक्की पिंडी है कि मैं आखना होना पुठवार गुंगा नहीं सा। इतने लोगों ने मुँह जबान भी सी तो वह धड़ेले नाल बोलने वाले भी से। जी बिल्कुल ये गल इस तरह ही है कि इतनी बसूनिया जड़िया जबाना सियाँ उन्हां की प्राकृता आख्या गया। एक और दलील कि संस्कृत जड़ी है ये आर्यन्स ने जड़े जड़ा मुकद्दस तबका सा ब्राह्मण ये उन्होंने जबान सी वो इसने लिखने बोलने से
मजहबी तालीमात देने से ते उन्होंने नेड़े ढुकने ना ते कुसे की भी आपू पता है जात पात की तकसीम नहीं वजह नाल उन्होंने नेड़े लोग घट लगने से ते किस तरह हो गया कि वो लोग आम लोगों च आए ही नहीं। तो जिसले आम लोगों च नहीं आए तो फिर उन्होंने जबाना किस तरह आम लोगों च अच्छी तरह बिगड़ी गईं।